स्वराज 855 FE 5-star ट्रैक्टर है भाई ये। आज इसका डीजल एवरेज निकालेंगे, 2023 मॉडल है ये ट्रैक्टर, बिल्कुल एकदम फ्रेश पीस। तो 14/9/28 के टायर साइज में, तो हमने इसमें ना अलग से डीजल टैंक लगा दिया। यहाँ से अंदर से तो ले दिया नोजल का और पंप का वापसी, और ये इंजन के लिए दे दिया इनलेट। और जो डीजल टैंक है ये देखो, यहाँ पर हमने पूरा 2 लीटर पर कर रखा है। शेड आने के बाद ये दिखा, ये रहा पूरा 2 लीटर पर है। और भाई हवा तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि आप टायर साइज देख लो, टायर भी बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ भिवानी साइड में जैसे ना कम हवा में ट्रैक्टर चला है, तो गेज लगा ही नहीं। और जो ये वाला हिस्सा ना हिच का 1 फुट 10 इंच पे, इसका ये वाला हिस्सा लगभग सबसे लास्ट छेद में डाल रखा है, नीचे हिस्से नीचे हो ही नहीं सकता। पीछे 16 डिस्क की एरो है, और इस खेत की मिट्टी वगैरह भी बताऊँगी आप लोगों ने। एक बार इसका डीजल एवरेज देख लें भाई, कितने RPM पे? 1600 RPM पे आई का पहला में, आई के पहले में 1600 RPM पे भाई कितने दे रहा है। तो फित्ता मंगाओ उसमें, फित्ता फित्ता ना ले तुम बांट नहीं मापोगे। ट्रैक्टर स्टार्ट कर भी चल तू, 16 बैट 17 बैट ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया भाई। दूसरे कोने की जो है ना दूरी है वो है 183 फुट। और ये ट्रैक्टर के टायर की स्लिप होती है, तो जो पावर लॉस है वो ये है। तो ये चीज़ दिखाना और बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं कोई तुम्हें दर्द हो तो मेरा ट्रैक्टर ले रहे हो, तो माइलेज कैसे इससे क्या ट्रैक्टर ताल कटेगी, पावर लॉस हो रही है, ये BHP कम हो रही है धरती और टायर के बीच में। सेम हवा थी, मतलब सेम एरो थी, सेम खुली हुई है, उसके हिसाब की बात है। दूसरा राउंड चल रहा है, 7:21 पे हम ट्रैक्टर को रोक देंगे। एक फाड़ तो दूसरे फाट की, रुक जाओ ट्रैक्टर अरे नान दो फिर मैं पियो। इस फाट का तो यो हिस्सा होगा और उसका बरला होगा, तो जो है ना ये फाट निकलेगी ना यहाँ के, उसका भीतरला हिस्सा और उसका बरला हिस्सा। यहाँ आता या शीत बनेगी, देखो आगे देखो माप के ना ये ठीक चल रहा है, यहाँ ठीक चल रहा है, यहाँ तो माप लेते यहाँ तो माप लो, इसका और लाशा उसका पर लाशा माप दो, मारो ना लगाओ लगाओ इसे शेक लगाओ। अट्ठाईस तीन ठीक है, ठीक है याद रखिए, इन्हें नहीं लगा कुछ होगा
का राउंड चल रहा ट्रैक्टर का और पाँच चार हो गए ट्रैक्टर यहाँ का होगा, एक साइड उधर हो जाएगा इधर हो जाओ। तीन राउंड कंप्लीट हो गया, मैं चौथा चल रहा ट्रैक्टर जा रहा हूँ। पावर लॉस हो रही है और अच्छी तरह ले रही है। टायर सिलेक्टर बहुत ज़्यादा करें जिसके कारण ट्रैक्टर साल नहीं मिल रही। एक मिनट रहेगी भाई पूरी, न्यू तो करे है, रोक ले पुत्र, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे, अरे काट देंगे। काटिए यार, एक आते एक का काम हो उसका। आइए यार निकालियो, निकल है क्या करना, कोई नहीं मैं फिर स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा ट्रैक्टर ना टेढ़ा है। आप भी देखो एक बार उसका, मेरा धोखा लग रहा है, दूर तो दिखेगा हल्का सा मेरे साथ। बंदा फिर नीचे जा, ठीक एक मिनट रुक जा, चल काट दे किलो। अरे रोनो पुरान होकर ना उठा ना, अरे रोगे होकर ना उठा उपरान थोड़ा यार, ना हो चार फालतू है। ठीक है उधर, हाँ ठीक सर, ठीक है ठीक है, रहने दे। मैं तुम हो चुका है, तो नहीं सर बराबर है, चार चार बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, मैं तेरे तो बाद में समझा दूँगा। ये देख मोड़ा, और वो देख वो देख ना मोड़ देख ना, आले के चक्कर में उल्टा हट रहा है ना, अर्जंग है दस दस फुट दस पंद्रह फुट उल्टा हट रहा है, यह चाल बदरी इसकी, समझ में आई बात है। कूड़े भी तू नहीं हुआ घटा के ले रहा होगा, वो तो वो पूरी है उधर ही, चल पूरी मान ली इधर का, तो ये आला भी था उसका कारण भी है। पाई वाली पत्थर वाली ना पाई वो उरे तो यार उसी को हैं, आप तो शुरू में ओड में पत्थर नहीं ना उसकी ना पाई उरे यार उसी को, ऐसे ना है भाई कोई बात, छोड़ तेल लिया आया ना, ले दे तू, यो तेल खा रहा है फिलहाल, इस नाड़े इधर तू इस पर पीछे रखियो जी, आले से काशी उतर ले बैठे पे देखोगे आप, 900.4 भाई राब डला ठा लियो खंडे मरियो कोई बात ना, सहज गाले जा भाई, तगाजा खाते खंडिया देगा,
धीरे धीरे खंड है, धीरे 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 कर, धीरे कर, एक स्पीड डाल ले जा। ये बात है, हमने तो बाद में डालना सही है, कहते हो यो ना भाई, खुद तो फालतू काट रहे हो, खुद तो फालतू काट दिया इसने, रुक जाओ रुक जाओ। पियान नरम साड़न है, खुद ट्रैक्टर की करा जब धरती नरम आ गई तो काट देगा ट्रैक्टर। डाल भाई तेज, इन्हें करड़ी थोड़ी कर, सारा पी गया फिर तो यो। अरे चलने दे बता, बतेरा तले ना खींच का चलने दे बता, रोक दे 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 ना, मतलब रोक दिया बस उड़े आड़े रख ले भी। मम्मा पता दी साढ़े साल बैंड दे, कति एक्यूरेट है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट, दो बार है ये वाले उड़े रखी ना, ठंडा मत दिया भाई, नाश हो जाएगा सारी करी कराई मैंने, तो माटी मिल जाएगी। लो जी 9.4 था ईबीयू, 1.8 या 9 पर रुकेगा, 1.8 है, 1.8 है वो, 1.8 हो गया और 9.4 था, तो उन्हें 4 नीचे घटा देंगे तो 4 भर गया, 1.4 भर गया, ऊपर 9 पा गया नीचे 4 भर गया, तो यार गणेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.6 क्योंकि 4 पे है ना यू, तो ऊपर वाले पॉइंट गणेंगे तो 7.6 हो गया इसका। देखो जो चीज हो चलो जैसा भी है वो, तो हमने तो काम को उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से बात करेंगे। इसका जो 28.3 था ना जी, वो 28.3 ने बन रहा अभी यहाँ तक का, ठीक है ना। चलो तेरा गिल्ला था, तेना को जानबूझ कर रोली नहीं कर रखी, वाह वह तेरी माफी कर दी, कोई नहीं माफी कर दी तेरी। 183 फुट तक इसकी एक साइड चौड़ाई होगी, जमा में 32.3 था ना जी, वो 32.3 फुट चौड़ाई है एक फाट से दूसरे फाट तक की, 28.3। अच्छा 28.3, सो बढ़िया कर दिया आपने, बता दिया 28.3, 211 गुना में तो 422.6 फुट की का एक राउंड बनेगा, जहाँ तक ट्रैक्टर चला घूम कर वहीं पहुँचेगा, और गुना में इसके कई राउंड पूरे हो रहे हैं, 4, 5वां था यो, हाँ रुक जाए बताऊँगा, इब 50 फुट 33 फुट आगे भी लेके जाना है वो जब होंगे, तो मेरा हो ना ट्रैक्टर की सारी चीज़ अभी तक मेरा क्या घर का है वो, मेरे सारे बराबर हैं। अच्छा बता, अच्छा में गलती हो तो बताइए जरूर, तो गुना में 422.6 गुना में 4 हो जाएगा, तो 1690.4 फुट लंबाई और 5वां चक्कर रह गया अभी भी वो, 183 में 33 फुट तो वो घट गया तो 150 रह गया, 150 फुट यो और 32 फुट यो, 28.3 यो, यो ही तो चल रहा है। ये लंबाई देख, हाँ ये एक दूसरे को फाट, दूसरी फाट में पहुँचा जी ट्रैक्टर, ईसा यो छोटा भी ले रहा है तो वो ही बात, चलो छोटा मोटा माफ़ कर दें तेरे थी, तो 150 फुट और एक्स्ट्रा चलिया है और जमा में 28.3, 1868.7 फुट एरिया कवर करा है इसने 6 मिनट में, लंबाई करी है तय, इसने लंबाई तय करी है, नहीं इतनी। अब गुणा में करते 6.6 चौड़ाई, तो 12,333.42 फुट एरिया कवर करा है इसने ट्रैक्टर ने अपनी 6 मिनट में, और गुणा में 10 कर देंगे हम तो 1 घंटे में 123,334.2 फुट एरिया कवर करेगा यो, 1,00,000 है, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी है। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं, 183 जमा में 28.3, 211 गुना में 2, अच्छा ये चौड़ाई भी तो कम पूरी कर रहा हूँ, 32 थे ये 28 ले रहा है, गुणा में 4, गुणा में 4, 16,990 जमा में 150 फुट और एक्स्ट्रा चल रहा है 5वें राउंड में, और जमा में 28.3 और एक्स्ट्रा चल रहा है, 1868.7 लंबाई तय करी, गुणा में 6.6 फुट की एरोस की, 12,333.42 गुणा में, ये 6 मिनट में एरिया कवर कर दिया इसने, गुणा में 10 कर देंगे तो 1 घंटे का आ जाए, 1 घंटा 1,23,334.2 फुट एरिया कवर कर रहा है भाई, यो 1 घंटे में करेगा तो एक सराहना 220 का 198 का, तो गुणा करेंगे 220 गुणा में 198
तो 43,560 आ जाएगा, तो भाग में 43,560, 2.83 एकड़ जमीन जोतागा जैसे वो चल रहा था जिस कंडीशन में ट्रैक्टर जोर लगा रहा है, इसलिए जो भी है इसका 2.83 एकड़ जमीन जोतागा। अब इसने डीजल कितना लिया है जी, वो 7.7 ना 6.6 भाग में 2.83 69 आ दिया ना, 2.68 लीटर डीजल लेगा लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। अरे वो कोने तो रह रहे हमें 33% और जोड़ागा इसमें, 2.68 हाँ गुणा में 133 भाग में 100 3.57 लीटर डीजल लेगा जी वो एक एकड़ में, जैसे इस कंडीशन में इस खेत में ट्रैक्टर चलाया है, क्योंकि कंडीशन जरूर देखनी चाहिए भाई, जो भी भाई है वो कंडीशन एक अलग चीज़ है, तो उसके हिसाब से जैसे इस खेत में ट्रैक्टर चलाया ना, यो इस टाइप चलता रहा इस तरीके से चलेगा, तो 3.57 लीटर डीजल लेगा एक एकड़ में, एक घंटे में 2.83 एकड़ जमीन जोतेगा। स्लिपेज थी ट्रैक्टर में वो एक अलग चीज़ है, वो मुझे देखे तो पता लगा, कंडीशन जो हमने सारी चीज़ दिखानी बतानी थी समझानी थी, तो इसका आया जी 3.57 लीटर डीजल लेगा एक एकड़ में और एक घंटे में 2.83 एकड़ जमीन जोता गया ट्रैक्टर, आएंगे पहले गियर में 16 स्वार की अंदर, कोई दिक्कत है ना जी? कोई दिक्कत होगा तू ना बाहले हम तेरे तक खवा दिया रहेंगे, डबल खा ले तू, जायज खा लो जायज कमा लो। चलो जो भी है जैसी भी हमने चीज़ बताना दिखाना था, तो बस जैसी वीडियो कमेंट कर जरूर बता देना, वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।